स्टील सामान ले लो, स्टील सामान, आओ भाई आओ, स्टील सामान ले लो, स्टील सामान, पुराने साड़ी के बदले स्टील सामान। यूं पुकारते हुए एक आदमी बंडी पर स्टील सामान बेच रहा था। उसका नाम था मंगेश। मंगेश की पहली पत्नी गुजर गई थी तो पारू नाम की औरत से दूसरी शादी किया। पहली पत्नी से जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम था शिवम। पारू के बेटे का नाम था सागर। पारू पहले तो शिवम को अच्छे से देखती थी, लेकिन सागर के पैदा होने के बाद सौतेली माँ के लक्षण बाहर आने लगे। बात बात पर शिवम को डांटना मारना ये सब करती रहती थी। उससे डरकर मंगेश कुछ कह नहीं सकता था। एक दिन मंगेश को दिल का दौरा पड़ा और वो गिर गया। अस्पताल में डॉक्टर, माँ पारू, इन्हें तुरंत दिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना खतरा हो सकता है। ऑपरेशन के लिए 3 लाख का खर्चा हो सकता है, तुरंत पैसों का इंतजाम करो। यूं कहा तो पारू, 3 लाख? उतने पैसे हमारे पास तो नहीं है डॉक्टर जी, आप ही उन्हें किसी भी तरह बचा लीजिए। यूं बोली डॉक्टर, देखिए जो दवाई मैं कह रहा हूँ वो लेते रहे तो कुछ दिनों तक वो ठीक रह सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन तो आखिरकार करना ही पड़ेगा। यूं कहकर दवाई की चिट्ठी लिख कर दिया। घर पर मंगेश बिस्तर पर ही रहने लगा। शिवम, माँ ये घर बेचकर पापा का इलाज कर सकते हैं ना? यूं कहा तो पारू उसे मारकर, ये घर बेच देंगे तो कहाँ रहेंगे रे? ये घर कल मेरे बेटे को देना होगा ना कमीने। अब 3 लाख देकर इनका ऑपरेशन करना जरूरी है क्या? तुम्हें खाना देना ही बड़ी बात है, अब तो जाओ जाकर स्टील सामान बेचो तो खाना मिलेगा। बड़ा आया बातें करने वाला, हाँ कहकर फिर मारी। बेचारा शिवम बंडी ढकेलते हुए, स्टील सामान ले लो, स्टील सामान, आओ भाई आओ, स्टील सामान ले लो, स्टील सामान, पुराने साड़ी के बदले स्टील सामान, कम दाम में स्टील सामान, यूं कहते हुए बेचने लगा। वो पैसे लाकर माँ को देने लगा। एक दिन मंदिर के पास एक बूढ़ी औरत एक पुराने ग्लास को पकड़कर बंडी के पास आई। बेटा बहुत भूख लग रही है, तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है क्या? यूं पूछी शिवम। अरे मेरे पास तो कुछ नहीं है, रुकिए अभी आपके लिए मैं कुछ लेकर आता हूँ, कहकर डोसा लेकर आकर दिया। वो खाकर, कितना बड़ा दिल है तुम्हारा बेटा, मेरे तरफ से ये ग्लास रख लो, तुम्हारे काम आएगा, कहकर ग्लास देकर मंदिर के अंदर चली गई। शिवम ग्लास देखते हुए, ये कौन है, इस ग्लास से मैं क्या करूँगा, कहकर उसे देखा तो वो मंदिर में जाते जाते हवा में ही मिल गई। शिवम हाथ जोड़कर, अरे साक्षात देवी बुजुर्ग औरत के रूप में आई थी, यूं सोचा। शिवम घर जाकर जो हुआ वो माँ को बताया और ग्लास नीचे रखते ही वो बहुत बड़ा हो गया था। उसके अंदर से अलग अलग किस्म के आहार निकलने लगे। वो देखकर सब आश्चर्य में थे। फिर ग्लास छोटा हो गया। वो आहार खाकर सब खुश हुए। शिवम, माँ सोने का ग्लास हमारी भूख मिटाने के लिए धन्यवाद, लेकिन हमारे पिता के ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए, कृपया करके हमें पैसे दे दो, यूं कहा। बस वो ग्लास तुरंत बड़ा सोने का ग्लास में बदल गया और उसमें से पैसे सोने हीरे बाहर निकलने लगे। वो देखकर पारू के मन में लालच जाग गई। तुरंत वो, बेटा शिवम हमें अब पैसे मिल गए ना तो कल ही पापा का ऑपरेशन करवा देंगे, यूं बोली। फिर मंगेश का ऑपरेशन हो रहा था तो पारू बेटे के साथ अस्पताल से धीरे से निकल गई। घर आकर ग्लास पैसे सोने का थैला सब लेकर निकल गई। ऐसे वो बड़ा सा घर कार सब खरीद कर रहने लगी। अस्पताल से घर आने के बाद मंगेश शिवम को वो दिखाई नहीं दी तो वे लोग घबरा गए थे। पारू घर में एक दिन, पैसे चाहिए, यूं ग्लास से पूछी। बस ग्लास गायब होकर शिवम के पास आ गया। वहाँ घर कार सब गायब हो गए थे।
उसे वापस वो घर आ गई। जो हुआ वो मंगेश शिवम को बताकर क्षमा मांगी। माँ वापस आई है तो प्यार से शिवम उन्हें गले लगा लिया।